आकाशवाणी रेडियो आज का खबर पढ़ रहा है संजीव राठौर। आज का विशेष समाचार यह है, हमारे देश के दो फाइटर, शत्रु पक्ष के दो फाइटर प्लेन को भगाकर बनगांव बॉर्डर पर तहस नहस कर दिया गया है। यह लेकर 12 शत्रु फाइटर प्लेन को तहस नहस कर दिए हैं। अपने देश के जवानों में से 4 जवान इस ऑपरेशन में अपने प्राण गंवा बैठे। हमारे देश के जवान शत्रु पक्ष के अड्डों पे घुसपैठ किए और अंत तक वापस आ गए। शत्रु पक्ष के बैटन टैंक के कारण वापस आ गए। पृथ्वी के टेक्नोलॉजी जानने वाला देश हमारे शत्रु को बैटन टैंक देकर उसका सहायता किया है। हमारे देश में ऐसे पैटन टैंक नहीं रखने के लिए न जाने कितने जवान शहीद हो गए। बिच्छू, तुम्हें क्या लगता है दुश्मनों के पास जो पैटन टैंक है उसके वजह से हम लोग क्या हार जाएंगे? अरे नहीं रे, इतना आसान है क्या? अरे तू जानता नहीं, हम लोगों ने उसके 2 प्लेन पहले ही उड़ा दिया। आओ आओ, तो चिंता मत कर। अरे नहीं यार, अरे मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। एक काम करते हैं, हम भट्टू भैया के पास जाकर बात करते हैं। आओ, बिल्कुल ठीक बोला है। एक काम कर, अच्छा बात याद दिलाया है, जल्दी चलो भट्टू भैया के पास जाकर बात करते हैं, उनसे कुछ आइडिया मिल जाएगा। आओ। आओ भट्टू भैया, आओ भट्टू भैया, भट्टू भैया आओ। भट्टू भाई, बाटलू भैया, बाटलू भैया, आ बाटलू भैया, ओ बाटलू भैया, आज का खबर सुने हो? सुना है, एक पैटर्न टैंक आया है जो हम लोगों के जवानों को फटाफट मार कर गिरा दे रहा है। आओ और ढिचकाओ ढिचकाओ करके तारक जवानों को गिरा दे रहा है। आओ। अरे ऐसा क्या है? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अरे तब तो देखना पड़ेगा। एक काम करो, चलो कर्नल साहब से बात करके देखता हूँ क्या हो सकता है। अरे और ये तो बहुत ही चिंता की बात है। हो रहा कर्नल साहब का घर। अरे चले कॉलिंग बेल जला, जल्दी बजा। अरे बटलू, करेंगे या मरेंगे? अरे सुबह सुबह आज आ गए हो, क्या बात है? और मैं देख रहा हूँ कि 2 चेलों को भी साथ में लेकर आए हो। आए, करेंगे या मरेंगे? आए। अरे हाँ कर्नल साहब, एक बात पूछने आया हूँ। मैंने सुना है कि हम लोगों के जवान सारे मरे जा रहे हैं पेट्रोल टैंक के कारण, ये क्या सच है? हाँ बटलो, तुमने बिल्कुल सही सुना है, इसलिए तो मैं भी तैयार हो गया हूँ, देख लो, युद्ध पे जाने के लिए। क्योंकि करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, आए पता नहीं लौट कर वापस आऊंगा भी या नहीं, मगर इस टैंक के वजह से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। आए, क्योंकि करेंगे या मरेंगे। अरे ठीक है कर्नल साहब, आप टेंशन ना करो, आपके साथ मैं भी युद्ध पे लड़ने के लिए तैयार हूँ और आपके साथ मैं भी चलता हूँ। बटलू, मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस टैंक के सामने मुकाबला करते वक्त अपने प्राण को मत गवा देना। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चलो, या करेंगे या मरेंगे। हे गुरु, अब तो बड़ा मजा आएगा, अपने शत्रु पक्ष के सामने जब टैंक जब रहेगा तो अपना भड्डू उड़ जाएगा। तो यार कितना मजा आएगा। बहुत भगर 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 भड्डू किया करता था, लेकिन जब दुश्मन, अरे यार हम लोग आजाद हो जाएंगे, हम लोग जो इच्छा वही करेंगे, अरे यार हम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं होगा। आओ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोच यार। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि बटलू भैया परेशान करते हैं, लेकिन युद्ध में जाकर दुश्मनों के सामने हार जाएंगे यह बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बटलू भैया जो भी हो, हम लोग के लिए बहुत मदद किए हैं। आओ कहीं ये सोच ले। आओ अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान,
बट्टू भैया युद्ध में विजय प्राप्त करके आए, अगर वो विजय प्राप्त करते हैं तो अपना देश का नाम रोशन होगा। हाँ ठीक है बच्चू बिच्चू, अरे तुम लोग घर जाओ, मैं कर्नल से बात करके युद्ध में जाता हूँ। ठीक है बट्टू भैया, अरे विजय प्राप्त करके जल्दी घर वापस आएगा, हम लोग तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कर्नल साहब, नहीं यार, अरे बट्टू भैया का बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। हा? आओ, नहीं नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, और ऐसा भी चिंता करने कोई बात नहीं है, क्योंकि बटलू भैया आज तक हार कर आए नहीं, देखना बटलू भैया विजय प्राप्त करके जरूर वापस आएंगे। आओ कर्नल साहब, शत्रु पक्ष के जो कर्नल है मैं उनसे पहले बात करके देखता हूँ, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग देखते हैं क्या किया जाएगा। ठीक है बटलू, तुम सावधान होकर जाना, हाय समझा, तो नहीं तो करेंगे या फिर मरेंगे। याद रखना बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम बटलू है, और आप लोग हमारे देश के जवानों को बिना मतलब के मार मार कर गिरा रहे हैं। अरे इससे तो आपका भी नुकसान हो रहा है और आप लोगों का भी नुकसान हो रहा है, अरे ये सब बंद करो। अरे तुम बटलू हो या फटलू, मुझे कोई मतलब नहीं, और वैसे भी बटलू तुम यहाँ पर मुझे समझाने के लिए आए हो, बहुत बड़ी गलती कर दी बटलू। अरे कोई है, इस बटलू को टैंक में डालकर उसके ही इलाके में फेंक डालो, और ये तो वहाँ पहुँचेगा मगर जिंदा नहीं, राख बनकर, समझे। अरे बरखुदार, ये काम मैं ठीक नहीं किया हूँ ये तुम बोलते हो, अरे ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है पर मेरे लिए तो बिल्कुल ही लाजवाब। अरे ये तो किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा है बरखुदा। हम लोगों का गोला वापस हम लोगों की तरफ आ रहा है, अरे बाप रे बाप, मैं कहाँ जाऊँ। अरे टैंक से गोले चढ़ाने के बजाय उसके शरीर पे जल्दी से चलाकर मार दो, अरे छोड़ना मत उसे, अरे वरना क्या घटना घटाएगा ये कोई नहीं जानता साईं। अरे मैं जिंदगी में ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। अरे जवानों जल्दी से गोली चला चला कर मार डालो इस शैतान को, बहुत परेशान अच्छा है क्या। अच्छा अभी तक समझ में नहीं आया है, को मैं अभी तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ। ये कैसा इंसान है, इससे अच्छा तो गोली खाने से पहले खुद मर जाओ, हे भगवान। आ आ आ आ आ आ बचाओ इस शैतान से, आ बचाओ। अच्छी बात रुको, देखो अब मैं क्या करता हूँ, और मुझे देख कर रहे हो, मैं कितना दूर भागोगे, भागो, मैं देखो घुमा घुमा कर कैसे देखता हूँ। मैं
हवा में क्यों उड़ रहा हूँ? मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ, मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ? आए आए, मैं कैसे निकलूँ बाहर? अरे कोई मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे बाहर निकालो। आए अरे गाँव में एक ऐसा पैकेज है जो हवा में उड़ रहा है। कर्नल साहब, मैंने सारे शत्रुओं को पकड़ कर लेकर आ गया हूँ। इन लोगों को जो सजा देना है दो। अब ये हम लोगों के दखल किया हुआ जमीन पर हमारे ही जवान रहेंगे। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे करेंगे या मरेंगे। अरे बटलू, मैं तुम्हें क्या बोलकर धन्यवाद दूँ? देखो हमारे सारे सिपाही तुम्हें धन्यवाद देने के लिए तैयार है। हमारे समझे बटलू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और इतना अच्छा काम कर्नल साहब, अरे ये देश के लिए मैं बहुत छोटा सा काम किया हूँ। और अपनी देश के काम के लिए कोई पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं, बस ये प्यार मुझे बनाए रखें। ए देखा, हम लोग का नाम रोशन करके आ गए। आओ, बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। आओ, बहुत अच्छा लग रहा है, आओ। हाँ बटलू, तुम तो ग्रेट हो, तुम लाजवाब हो, देश पे तुमको शान है। आए बटलू, समझे? अरे बटलू द ग्रेट, बटलू द ग्रेट, बटलू द ग्रेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो करेंगे और लड़ेंगे। बटलू इज द ग्रेट, बटलू इज द ग्रेट, बटलू इज द ग्रेट। और एक बार सभी को बोलना पड़ेगा, करेंगे या मरेंगे। आए करेंगे या मरेंगे। आए तो मुझे शर्मिंदगी में डाल दे रहे हैं। अरे थोड़ा सा देश के लिए क्या काम क्या कर दिया, ये तो इतना कुछ मेरे लिए करने के लिए तैयार हो गए। अरे दोस्तों, देश के लिए तो काम तुम लोग भी कर सकते हो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? है ना, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। खुदीराम भट्टाचार्य, जमीन से इनका थोड़ा बहुत ही आय हो पाता है, और दो चार शिष्य या यजमान के घर पूजा पाठ करके खींच तान कर अपना घर चलाते हैं। भाद्र महीने के इस बारिश के मौसम में इनके और इनके जैसे गृहस्थ वाले लोगों को आधा पेट खाकर रहना पड़ता है। खुदीराम भट्टाचार्य के दो लड़के हैं, नेपाल और गोपाल। गोपाल छोटे वाला है। अरे गोपाल, बहुत तेज भूख लगी है, माँ को बोलना कुछ खाने को दे। मैं नहीं बोल सकता, मैं बोलता हूँ तो माँ डांटती है बहुत। हाँ, तुम ही बोलो। हाँ भाई, क्यों नहीं, कहाँ जा रहे हो? ज्योति बुआ के घर, माँ को बुलाने। अबे तुम्हारी माँ ज्योति बुआ के घर क्या कर रही है? आने वाले मंगलवार को तात नवमी है ना, बहुत लोग खाना खाएंगे, इसलिए मूंग दाल भूजने गई है। चलता हूँ भाई। ताल नवमी के दिन ज्योति बुआ को ताल की जरूरत पड़ सकती है, चल पूछ कर आते हैं। चलो भैया। गांव के पंचायत नटवर मुखोपाध्याय। बुआ, ओ बुआ। कुछ बोलोगे भी नेपाल? ताल चाहिए बुआ जी। हाँ, परसों ताल नवमी है, ताल की जरूरत तो पड़ेगी ही, पर एक पैसे के कितने? एक पैसे के तीन। अच्छा, तो कल आकर दे जाना, पर हाँ, ताल बड़ा और एकदम पका हुआ होना चाहिए। वो आप देख लेना, अभी मैं चलता हूँ। चलो भाई। भैया, तुम बुआ जी से ना ताल के पैसे मत लेना। क्यों भाई? देखना, पैसे नहीं लेंगे ना तो बुआ जी ना हमको ताल नवमी में निमंत्रण करेंगी। कितने दिनों से पेट भर कर नहीं खाया है, उस दिन हम दोनों भाई मिलके पेट भर के खाएंगे। ए, बेकार की बात मत करो, चुप रहो, चलो घर चलो पहले।
लगता है भैया पैसे लेकर ही ताल देगा। उससे पहले ही मुझे सुबह सुबह उठकर ताल उठाकर बुआ जी को देकर आना होगा। जैसा कि होना था वैसा ही हुआ। सुबह सुबह उठकर गोपाल गया ताल उठाने। थोड़ी देर वहां पर इंतजार करने के बाद वहां से दो बड़े बड़े ताल उठाकर दौड़ गया ज्योति बुआ के घर की तरफ। बुआ जी ये देखिए मैं ताल लाया हूँ। वाह बड़ा अच्छा ये ताल। तो कितना पैसा देना पड़ेगा बोलो? एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ले लीजिए। अच्छा अरे बुआ ने तो ताल नवमी के लिए निमंत्रण नहीं दिया, हो सकता है बाद में करें। ज्योति बुआ जी के घर से कब निमंत्रण आएगा, इसी चिंता में गोपाल का पूरा दिन कट गया। शाम को जब नेपाल ने आकर गोपाल को देखा, फिर उसको पकड़ा और समझाया। आज सुबह तुमने ज्योति बुआ जी को ताल दिया है क्या? हाँ। तो तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? पैसे नहीं लिए ना, अब देखना बुआ जी हमें निमंत्रण भेजेंगी। बैठ पागल, जिनको आमंत्रित करना होता है वो वैसे ही कर देते हैं। अगर तुमने पैसे लिए होते ना तो कम से कम इस वक्त थोड़े से मुरमुरे तो खा ही लेते हम लोग। देखते ही देखते अगले दिन की दोपहर आ गई। उनके घर के सामने से गाँव के बहुत से लोग गए ज्योति बुआ के घर ताल नवमी के आमंत्रण पर खाना खाने। जब पूरे दिन बीत गया तब गोपाल के आंखों में आंसू भर आए। शायद संसार का ऐसा अविचार देखकर ये रास्ता कब से देखे जा रहा था, पर यहां से सिर्फ लोग जा सकते थे, अतः और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जब घर में काम रहता है तब ये बटलू बाहर निकल जाता है घूमने लंबे कान वाले के साथ, पता नहीं कहाँ चला गया है। ए बच्चू बिच्छू सुनो, तुम दोनों देखे हो वो लड़का कहाँ गया है? तुम दोनों देखे हो? अरे नहीं नहीं, अरे हम लोग उसे नहीं देखे। और आप चिंता ना करें, मैं अभी उसे दोनों मिलकर ढूंढ कर लेकर आ दिया। चले यार चले यार। अरे बाबा, अरे बटली भैया, ये मेरे कान जो है ना वो सुनाई पड़ रहा है रे कि आपकी बुआ जी आपके ऊपर बड़ी गुस्सा है रे बाबा, और आपको ढूंढ रही है रे बाबा, और आप यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के मस्ती कर रहे हो। अरे जल्दी चलो रे। अरे लंबे कान वाले, बुआ जी घर सफाई करने के लिए बुला रही है। भागो, अरे भागो, अरे जल्दी भागो, अरे फंस जाएंगे हम लोग। भागो, अरे खोज रही है रे बाबा, जल्दी भागो। अरे बाबा रे बाबा, अरे बाबा रे बाबा। अरे बटलू भैया, ये मेरे कान साफ साफ सुनाई पड़ रहा है वो जो आपके बच्चे और बिच्छू है ना, वो दोनों प्लानिंग कर रहे रे बाबा कि हम दोनों। अरे उन लोगों की इतनी हिम्मत, एक काम कर, उस सामने मेकअप वाले रूम में चल मेरे साथ, वहाँ पे भेस बदल लेंगे और वैसे वो लोग मुझे पहचान में नहीं पाएंगे, और तू बंदर बन जाना और मैं तुझे नचाने वाला बन जाऊंगा। अरे ऐसा क्या, तब तो बहुत मजा आएगा रे बाबा, चल रे बाबा। Thank you.
अरे दोस्तों, अरे इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बंदर का खेल दिखाऊंगा और खेल देखने कोई पैसा भी नहीं लगेगा। ए बंदर, चल बता तू शर्माता कैसे है, जरा सबको दिखा। अच्छी अरे बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा। चल एक काम कर, अब तू मेरे को ये दिखा, जब तेरा पति घर पे नहीं होगा तब तू कैसे इंतजार करेगा। अरे वाह, तू तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। उन दोनों को समझने से पहले हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे समझा कान वाले, अरे भाग। अरे अरे बाप रे बाप, अरे लंबे कान वाले, अब कोई और वेश बदलना होगा। एक काम कर, मैं साढ़ बनता हूँ, तू साढ़ का बच्चा बन जा, समझा। अरे चल। अरे क्या बोल रिया रे बाबा, अरे चल रे बाबा चल। हलो बंदर घुस रहा है अंदर, बंदर घुस रहा है। अरे कहाँ से आ गए ये बंदर, बंदर घुस रहा है अंदर। अरे नहीं नहीं, गुस्सा मत होइए आप लोग। अरे हेलो, मैं क्यों नहीं गुस्सा हूँ भाई, क्यों नहीं गुस्सा, मेरा दुकान में बंदर घुस रहा है, मैं गुस्सा नहीं हूँ क्या? जी वो बंदर नहीं है, अरे वो तो मेरा बहुत ही अच्छा और प्यारा है, मेरा दोस्त है। अरे वो क्या है दादाजी, हम लोग अच्छा। अरे टिपो कहा हो, इनको ड्रेस दिखाओ ना, ये ड्रेस खरीदेंगे। अरे लाजवाब, अरे तू तो बहुत अच्छा दिख रहा है, तेरे हाथ पैर देख के पता चल रहा है तू तो बिल्कुल साड़ी का बच्चा है। अरे क्या बात कर रिया बटलू भैया, अरे तुम भी तो पूरे साड़ दिख रहे हो, क्या बात कर रिया रे तू, अरे वाह अरे वाह। अरे चल चल, अब शहर से थोड़ा दूर गांव में चलते हैं, वरना शहर के सारे लोग डंडा लेकर दौड़ाएंगे। अरे भाग भाग भाग, अरे जल्दी भाग रे, अरे लंबे कान वाले जल्दी जल्दी भाग। अरे भाग थोड़ा, अरे बाबा कितना दौड़ाएगा अरे तू, अरे क्या बात कर रही अरे बाबा। अरे बटलू भैया, अरे आप जिधर जा रहे हो मेरे लंबे लंबे कानों में कुछ साड़े की आवाज सुनाई पड़ रही है, अगर आप उधर जाओगे तो साड़ आपको मार डालेगा बटलू भैया। अरे ऐसा क्या, वो मुझे मारेगा, एक काम कर चल देखता हूँ, अरे जल्दी चल मेरे साथ। अरे बटलू भैया, अरे देखिए वो सामने वाला जो सांड है वो आप ही की तरफ आ रहा है रे बाबा, अरे चलिए भागता हूँ। अरे मैं क्यों भागू, तो एक काम कर, मैं अपने पिछले वाले पैर से देख मैं कैसे उसे मार के उड़ा देता हूँ। आओ अरे बच्चों, वो देख एक सांड ने दूसरे सांड को मार के गिरा दिया है, आओ चलना उस सांड को देखने का मन कर रहा है। अरे यार चलना उस सांड को देखते हैं। अरे यार
देख ना उस सांड को देख के लग रहा है, अरे तो हम लोग के पीछे भाग रहा है। अरे यार भाग 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 यार, अरे यार अपनी जान बचा यार, भाग बच्चे भाग, अरे यार भागना यार, अरे यार भागो भागो, अरे भागो यार भागो, अरे कोई है क्या बचाने वाला हम लोगों को, अरे यार ये सांड से कोई बचाओ यार मुझे, बचाओ यार बचाओ। आओ अरे कहाँ चले गए हम लोग, आओ आओ, आओ आओ आओ। अरे यार बचाओ यार, ये देखो मुझे मार गए, ये कहाँ पहुंचा दिया। आओ मम्मी मुझे बचाओ, अबे बच्चू मुझे जल्दी बचाओ, मुझे इस पेड़ से जल्दी बाहर निकालो, जल्दी निकालो नहीं तो मुझे सारी चिटियाँ मुझे खा लेंगी। आओ आओ बच्चू मुझे बचाओ, आओ 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 आओ। अरे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा ही तेज मार दिया हूँ, खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ तो मुझे भागना पड़ेगा नहीं तो पकड़ा जाऊँगा तो बहुत मुश्किल। अरे पागल शारदों लड़का को मार के भाग रहे हैं, तुझे मजा चकता हूँ तुझे गोली मार के, रुक जा। क्या देख रहा हूँ, अरे अब तो बटलू भैया मर जाएंगे क्योंकि एक बंदूक वाला गोली लेके पीछे पड़ गया बटलू भैया के। अरे यार खैर कोई बात नहीं, अरे क्या हुआ, गोली किया सांड को, उल्टा आके मेरा टोपी ओढ़ गया, रुक मैं बताता हूँ। ऐ ऐ ऐ सांड रुक जा जंगल में कहाँ जा रहे हैं, हाँ रुक रुक, तेरे को पकड़ के मैं तेरा पूछ काटता हूँ, जा घुस गया जंगल में, अब क्या करूंगा। अरे ये तो सार की जगह भस्मासुर आ गया है। अरे बटलू भैया, अरे यार जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो बुआ जी के साथ साथ सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, अब मुझे सुनाई पड़ रहा है। अरे यार आपकी बुआ जी गाली दे रही है, अरे जल्दी चलो यार। आओ बच्चों अरे जल्दी मुझे उतार, अरे चिटिया मुझे काट रही है, आओ 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 बच्चों उतार ले मुझे जल्दी जल्दी। अरे यार अब मुझे पता चल रहा है, अरे क्यों मैं उस सांड के पीछे गया था यार, क्यों मैं बटलू के पीछे गया था, अरे यार मुझे बचाओ यार, मुझे बचाओ यार। आओ चेटिया काट रही है मुझे, चेटिया काट रही है मुझे, बचा आओ बच्चों मुझे बचा ले बच्चों, मुझे उतार बच्चों जल्दी उतार, आओ 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 उतार बच्चों मेरे को, आओ मैं मर जाऊंगा, मुझे भी यहाँ से निकाल ले, आओ आओ। संजय सिंह मिलिट्री में नौकरी करते थे, युद्ध में शत्रुओं से आमने सामने लड़के मौत के मुंह से बहुत बार बच कर आए हैं। एक दिन वो अपने मामा के घर घूमने गए और सुबह सुबह अपने मामा के साथ घूमने निकले।
मामा, यह घर किसका है? चौधरी जी का कोई रहता नहीं है। नहीं, क्यों? सब कहते हैं इस घर में भूत रहता है। कितने लोग इस घर में भूत देखे हैं? हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आज रात को भूत देखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ सामान चाहिए। नहीं नहीं, मैं किसी भी कीमत पर उस भूतिया महल में तुझे नहीं जाने दूंगी। और लोहे के छोटे छोटे गेंद तो मेरे पास है ही। ले पकड़ अपना सामान। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ मामी। हे माता रानी। अरे बाप रे, ये कहाँ से आया है? अरे सच में, यहाँ तो भूतों का डेरा है। तू कौन है? तू कौन? मैं भूतों का राजा हूँ। और मैं इंसानों का राजा हूँ। मेरा ताकत जानते हो? मैं तुझे उठाकर हिमालय तक फेंक सकता हूँ। और मेरा ताकत जानता है? मैं लोहे को चबाकर खा सकता हूँ। यह ले, तू खा के दिखा तो। कहाँ है? दो। लोहे चबा चबा कर तो मेरे दांत दर्द हो गए, लेकिन मैं तो इसे नहीं खा पाया। हाँ, ऐसा क्यों? तू पत्थर को दबा कर खून निकाल सकता है? नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूँ। यह देखो। क्या हुआ, नहीं कर पाओगे? अच्छा ये बताओ, तुम लोग इस थैले में प्रवेश कर सकते हो? हाँ, वो कर सकूँगा। ठीक है, करके दिखाओ जरा। ठीक है, देख तू। ए सब चलो। ए तू थैले का मुंह क्यों बंद कर दिया? हाँ, खोल थैले का मुंह, खोल। बोल रहा हूँ ना, खोल थैले का मुंह। खोल दूंगा अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। छोड़ दूंगा अगर तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे तो। हाँ, हम लोग भाग जाएंगे, हम लोग वादा करते हैं। जाओ भागो यहाँ से। अरे अरे भागो जल्दी, भागो यहाँ से, भागो जल्दी, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। उसके बाद उस घर के आसपास भूतों का फटकना बंद हो गया। चौधरी परिवार भी उस घर में निवास करने लगे। सिर्फ यही नहीं, भूतों से पीछा छुड़ाने के फलस्वरूप संजय राउत को 1,00,000 रुपए नगद इनाम दिए गए।